We've been together for 3 years, my girlfriend and I. We lived together. And we were best friends for 9 years before that. I know the guys in this room don't believe me, but it happened. That's the thing, when you fall in love with your best friend, it's not a good feeling. क्योंकि मुझे पता था feelings mutual तो नहीं है तो मैंने सोचा मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं और ज्यादातर बंदे भी यही करते हैं when they fall in love. They're like, हम कुछ नहीं कहेंगे हम बस मुंह खोल के देखते रहेंगे एक दिन वो खुद ही समझ जाएगी फिर बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और ये बंदे उसी लड़की के शादी के कार्ड के ऊपर क्रश कर रहे होते हैं कार्ड पे जहां लड़की का नाम लिखा है ना उस एरिया को काट के रोच बना रहे होते हैं शायद इसी बहाने मेरे होंठ उसे छू ले आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव दैट शी इज विद मी ऑनेस्टली मेरा नहीं बनता है मेरी गर्लफ्रेंड ऑक्सफोर्ड से पास आउट हुई मैं मिठीबाई से ड्रॉप आउट हुआ समझ रहे हो बहुत बड़ा फर्क Every day I wake up next to my girlfriend. I still can't believe she said yes, by the way. Every day I wake up next to her and I check, oh, shukar hai, abhi bhi hai. Abhi bhi hai, akal nahi aayi, shukar hai, akal nahi aayi usse. Aur main proper kambal hata ke dekhta hu ki are, kya pata 6 takiye rakh ke bhag gayi ho. Dekhna padta insaan hai ki nahi. देखो क्या है व्हेन यू फॉल इन लव विद योर बेस्ट फ्रेंड एज अ गाय दे ऑलवेज टेल यू द सेम थिंग देखो उसे बताना मत दोस्ती खराब हो जाएगी और होती है खराब ये बहुत अच्छी एडवाइस है क्योंकि बंदे भी बेवकूफ हैं काफी हद तक और बॉलीवुड ने हमें और बेवकूफ बनाया है बचपन से हम लोग बॉलीवुड पिक्चरें देख के बड़े होते हैं फिर कॉलेज में आते हैं फिर किसी लड़की से प्यार हो जाता है और हम वही करते हैं जो हमने पिक्चर में देखा है 16-17 साल की उम्र में लड़की रिजेक्ट कर देती है हमें हम जाके 3-3 ओल्ड मॉन्क पी रहे हैं छाती ठोक रहे हैं अपनी वो मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं उसके इलाके में जाके चीख रहे हैं चित्रा इट्स लाइक तेरा टू व्हीलर का लाइसेंस लेने की उम्र नहीं है यार तेरे 2 केटी लगे हैं वो करना है तो क्या हमें बोला जाता है फॉल इन लव विद योर बेस्ट फ्रेंड डोंट टेल हर दोस्ती खराब हो जाएगी आपको तो पता ही है मैंने डिसाइड किया था कि कुछ नहीं बोलना है पर प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग बहुत दारू पीते थे हफ्ते में 4 बार जाके दारू पिया करते थे उसे दारू बहुत पसंद है मुझे दारू नहीं पसंद है मुझे वो पसंद है तो मुझे दारू पसंद है तो हम लोग मरीन ड्राइव पे बैठे हुए थे रात को 3 बजे और मैंने उसे बता दिया और सबसे इंटेंस तरीके से बताया दिस इज व्हाट आई सेड लिसन आई डोंट हैव अ क्रश ऑन यू आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम इन लव विद यू और फिर वो रोने लग गई तो फिर मैं रोने लग गया क्योंकि उसके आंसू देख के खुशी के नहीं लग रहे थे शी वॉजंट लाइक इसी पल का तो मुझे इंतजार था शी वॉज लाइक व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू मैन यू लाइक अ ब्रदर टू मी ये सामने के 3-4 लॉन्डो से कुछ ज्यादा ही एंथुजियास्टिक हंसी आई देर लाइक हाँ ये वाला हो चुका है अभी भी दर्द होता है बहुत सो आई ड्रॉप्ड हर होम और अगले कुछ महीनों तक मैंने उसे कांटेक्ट नहीं किया कुछ नहीं फिर एक दिन उसके सामने से मुझे मैसेज आया एंड उसमें लिखा था कि देख यार जो भी हम लोग फिर भी दोस्त हैं तो तुझे चिल करना है क्या मेरे अंदर से बहुत सारी आवाजें साथ में निकली Involuntarily, she was like, "Chill, करना." I was like, "हाँ, अभी तुरंत, please, thanks. I love you. तुम्हारे बालों से जो खुशबू आती है ना पर, और मैंने कुछ कहा नहीं. I was just like, "हाँ, chill, करना है, कर सकते, नहीं करना, नहीं करते, bro. Whatever, man, whatever." She's like, "अच्छा, free है तू?" मैंने कहा, "Free? बचपन से आज तक कुछ नहीं किया, अभी भी खाली बैठा हूँ, आगे का भी यही plan है." She's like, पक्का फ्री है मैंने कहा पक्का पक्का एकदम फ्री हूं एकदम और तुरंत मैं भागा तुरंत मैंने अपने कंधे से अपनी दादी की बॉडी हटाई अपने कजिन को दी आंसू आंसू पहुंचे निकला वहां से आई वाज लाइक चलो oh,
कुछ लोगों के चेहरों से रंग उड़ता हुआ नजर आ रहा है. लाइक तू कितना कमीना है. देखो यार मजाक कर रहा हूं मैं, बस मजाक कर रहा हूं. जस्ट अ जोक, इट्स ऑल इट इज गाइस. सीरियसली आई वुड नेवर गो टू माई ग्रैंड मदर्स फ्यूनरल. आई हैव बेटर थिंग्स टू डू विद माई टाइम. And that sounds boring as fuck, you understand? I'm kidding. I swear I'm kidding. Actually, I'm kidding. Meri dadi ki death bahut pehle ho gayi thi. Zinda meri nani hai and she is 96 years old. Aur unko 100 saal ka nahi hona. Aur ye joke maine unke bare mein likha tha. Phir maine apni mom ko sunaya. And I was like, ye online dal dun. She was like, तुझे जायदाद से बेदखल कर दे. तो I was like, ठीक है फिर दादी बोल दूं. तो I went and I met my best friend, you know, who is now my girlfriend, was my best friend back then. And she was like, ये क्या सफेद कुर्ता सफेद पजामा. I was like, वो ऐसी new look. So I went and met her and things went back to normal. By which I mean, she went on dating apps and I cried under a blanket on a daily basis. Now, साल डेढ़ साल तक हम लोग फिर भी मिल रहे थे, चिल कर रहे थे, सब सही था. उस टाइम पे कई बार मुझे बीच में लग रहा था, I used to meet her a lot still, we used to get drunk a lot together. मुझे कई बार ऐसा लग रहा था कि नहीं यार यहाँ पे कुछ है, पर मैं पूछने नहीं वाला था फिर से. You know, you don't want to be that guy जो हर हफ्ते, अब? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. नहीं मुझे लगा कि आपका पूरा ओपिनियन ही बदल गया वो 6 दिन में. तो एक डेढ़ साल बीता और मैं बैठा हुआ था कहीं पे अपने दोस्त के घर. एंड देन शी मैसेज मी. आई रिमेंबर ऑल द वर्ड्स टू दैट मैसेज इवन नाउ. थैंक्स. इवन द ट्रेन इज एक्साइटेड. इट्स लाइक क्या हुआ बताना बता. आई रिमेंबर ऑल द वर्ड्स टू द मैसेज. इट सेड, I didn't want to accept it, but I think that I might be in love with you and we should be together. Just look at the phrasing. Just look at the choice of words. I didn't want to accept it, but I think that I might be. Usne bas unfortunately nahi bola.